हमारा जुर्म यह है कि हमने पाकिस्तानी की बात की। मेरा जुर्म इसलिए बन गया कि मैंने जहाँ ये कहा कि पाकिस्तान मेरा ईमान है, मैंने कहा कि कश्मीर की गैरत, कश्मीर की इज्जत पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं हो। हमारे मुल्कों में क्या हो रहा है और कौन से चंद एक लोग आते हैं जो इस मुल्क के साथ ऐसी तैसी फेर जाते हैं कि पाकिस्तान अगले 20-30 साल संभल नहीं पाता। जमहूरियत के नाम के ऊपर यहाँ पे माशाल्लाह लगा हुआ है। आईटी में हिंदुस्तान 500 बिलियन की एक्सपोर्ट करे और पाकिस्तान के पास 100 मिलियन डॉलर भी नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास 100 मिलियन डॉलर नहीं है तो एजेके के पास 1 लाख डॉलर नहीं है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ जा रहे हैं? एक आज आपको नहल किया गया, इससे कबल बहुत सारे लोग थे जो आपकी प्राथमिकता के खिलाफ थे जब ये इलेक्शन हुए थे, तो कहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ पे वो लोगों का दुआएं तो नहीं रंग ले आई? सरदार तनवीर इलियास है उसको प्राथमिकता से हटा दिया गया अदालत के थ्रू। देखिए बुनियादी तौर पे आजाद कश्मीर के अंदर इससे पहले ऐसी कोई नजीर नहीं है कि वक्त के वजीर आजम को बुलाया जाए और 1-1.5 मिनट के अंदर उसको उसके ओहदे से नायल करने का डिक्लेरेशन दिया जाए। ऐसे है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर या हमारे पूरे मुल्क में जो इस वक्त कैफियत है, इस कैफियत के बारे में क्या कहा जा सकता है ये आप लोगों ने देखना है, चूंकि आप लोगों का ये शोभा है। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत के नाम के ऊपर यहाँ पे माशाल्लाह लगा हुआ है। आप ये देखें कि लाहौर में क्रैकडाउन होता है, कितने लड़के एक्टिविस्ट पकड़े जाते हैं, क्या होता है? आज़ाद कश्मीर में जब हम आए या हमने इलेक्शन कंपेन की तो हमने ये बात बड़ी सामने रखी उस वक्त कि आज़ाद कश्मीर में बेरोजगारी आसमान को छू रही, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर 1% नहीं है, एजेके गवर्नमेंट की कोई पसली नहीं है। हमने ये 3-4 एरियाज आइडेंटिफाई किए कि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जिनकी डिग्रियां देख के हमें शर्म आती है, उनको कहाँ एडजस्ट किया जाए। उसमें एक टूरिज्म का शोबा है जिसमें अभी भी परसों हमारे पास एक कनेडियन कंपनी आई, टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल। इसके बाद आईटी का शोबा, आईटी में हिंदुस्तान 500 बिलियन की एक्सपोर्ट करे और पाकिस्तान के पास 100 मिलियन डॉलर भी नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास 100 मिलियन डॉलर नहीं है तो एजेके के पास 1 लाख डॉलर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी करेंसी अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान 84 पे, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ जा रहे हैं? हमने अपनी मंजिल का तय्यन किया है। आप ये देखिए कि लोग बात कर रहे थे कि जी ये कहते हैं वो कहते हैं, हमने पाकिस्तानियत की बात की। मैं आगे बड़ा सुबह को जगह देने की आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमने कहा कि सूबे आए वो अपने हुसीस बनाए, हमने उनसे भी आज़ाद कश्मीर के लिए जगह मांगी। हमारा जुर्म यह है कि हमने पाकिस्तानियत की बात की। मेरा जुर्म इसलिए बन गया कि मैंने जहाँ ये कहा कि पाकिस्तान मेरा ईमान है, मैंने कहा कि कश्मीर की गैरत, कश्मीर की इज्जत पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप ये देखिए कि इस्लामाबाद के साथ गलगित का कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं है, हमने रास्ता बनाया, बस सर्विस शुरू की। गलगित और आज़ाद कश्मीर के लोग मिलके ना चलें, चूँकि आप डिवाइड होंगे, आप पे रूल ज़्यादा अच्छा अंदाज में होगा। यहाँ पे एक मसला नहीं है, आज़ाद कश्मीर में 70 सालों में 5,000 टैक्स फाइलर था, हम उसको 60,000 से ऊपर ले गए। पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में टैक्स अपने अहदाफ को क्रॉस करके उससे ज़्यादा हमने किए। मैं आपको बताऊँ कि मैं आपके साथ जब लिस्ट शेयर करूँगा हमारे मुल्कों में क्या हो रहा है और कौन से चंद एक लोग आते हैं जो इस मुल्क के साथ ऐसी तैसी फेर जाते हैं कि पाकिस्तान अगले 20-30 साल संभल नहीं पाता। मुझे नहीं पता कि मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ हो, क्योंकि यहाँ पे वफादारी और हुब्बुल वतनी अब जुर्म है, क्राइम है हमारे मुल्क के अंदर। जो मुल्क के साथ वफादार है वो मुजरिम है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो आम आदमी का सवाल है वो मायूस है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, सियासी फैसले किसने करने थे? मुझे ये बताइए कि सियासी फैसलों की क्वालिफिकेशन किसके पास है, ये सवाल है, ये होना चाहिए। सरदार साहब ये बताइएगा कि जो आपको नाहल किया गया है, इसके बाद आपका अगला लाहा अमल क्या है और आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे किसी और का भी हाथ है? देखिए बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म जो है वो रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव सबसे बड़े ओहदे के ऊपर होता है इंतजामी, अगर उसको बुला के 1-1.5 मिनट में यहाँ पे बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, नायब कासिद हो,
ड्राइवर है उसका कोई केस चला जाए अदालतों के यहाँ, 10 साल 15 साल तक पता ही नहीं चलता क्या हुआ। वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को बुला के वो अल्फाज, वो अंदाज, वो बेतौकीरी और वो इंसल्ट, वो ह्यूमिलिएशन जिसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती, ये किया गया। इसके बारे में हम जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो हमारे साथ आप बीती है, जो हमने भुगता है, लायमल आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत और हमारे मुल्क पाकिस्तान की, उससे रोका जा रहा है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, वो खिदमत सफर जारी रहेगा, वो ना सियासी उदू का है, लेकिन सियासी फैसले आज़ाद कश्मीर के लोगों का हक है कि वो फैसले कर सकें। अगर आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ ये होगा कि 32 साल बाद हमने बलदियती इलेक्शन करवाए, बलदियती इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान का शमला ऊँचा हुआ, हिंदुस्तान जो तबर्रे कसरा था, आज हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो आप बेहतर देख रहे हैं, बेहतर सुन रहे हैं, वो गलत कह रहा है सही कह रहा है ये आप भी फैसला करें, लेकिन हमने पाकिस्तान का शमला ऊंचा किया। सरदार साहब, जो आपने धुआं निकलवाने की बात की थी वो तो अदलिया ने लगता आपका धुआं निकाल दिया। देखिए बात यह है कि जो धुएं की आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा था कि आज़ाद कश्मीर का 35 से 40 करोड़ दे के इनलैंड का कमिश्नर लगता है। आपको मजे की बात बताऊँ की वो इनलैंड का कमिश्नर भी स्टे पे है, स्टे पे है। अब तंबाकू और ये रेवेन्यू, आप जो आगे आने वाले दिनों में आपके पास भी और खबरें होंगी, हम भी आपको बहुत कुछ बताएंगे, उस पर इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। सरदार साहब, ये बताएं कि आपको तो इंडिया अदालत में लिया गया, पाकिस्तान में एक सियासी जमात और पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट इस वक्त मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किए हुए हैं, क्या ये एक किस्म का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि एक ही मुल्क है, बेशक आजाद रियासत जम्मू कश्मीर उसका एक हिस्सा है, ये जिस तरीके से इस्लामाबाद में अदलिया को टारगेट किया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे असेंबली फ्लोर के ऊपर वज़ीर आज़म ने कोई अगर बात कही और उसके बारे में कोर्ट में पूछा जाए, चूँकि ये हम आइंदा आने वाले दिनों में इस पर बात करते हैं कि यहाँ पे मसला ये डिबेट शुरू होगी कि जी सुप्रीम कौन है। दुनिया की सियासत को, जमहूरियत को जानने वालों को नहीं पता सुप्रीम कौन है। इसके ऊपर चूँकि 1958 में जो हमारे मुल्क में एक लॉ ऑफ नेसेसिटी, मैंने कहा था लॉ ऑफ नेसेसिटी और उसके अंदर इलास्टिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी से मराद के उसमें जहाँ फिट करे हो जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। जो कुछ आप कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की वजह से या पाकिस्तान की वजह से, ये चूंकि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मारूजी हालात होते हैं उसके हवाले से होगा, लेकिन मैं जो चीज़ कह रहा हूँ कि इसमें देखना ये है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं और ये मुल्क बच पाएगा, आगे कहाँ जाएगा, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी अहमियत की अमल बात है। ओके, सवाल किया गया अभी यही है कि आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? देखिए सियासी लोगों का लाइम सियासी होता है, हम सियासत के अंदर है, सियासत करेंगे और सियासत जो हमें आती है वो करेंगे। बहुत शुक्रिया।